देखो यहाँ पे सामने देखिए, एक तो मैंने स्टेट बनाना सिखा दिया ना आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद देखो यहाँ पे लाइन लिया मैंने कितने का, 50 mm का, कितना 50 mm का, ऑफसेट 15 mm, 15 15, फिर ऑफसेट 10 mm, ठीक है ना। फिर यहां से आपने एक लाइन लिया एल एंटर फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ऑफसेट 10 mm, यहां से यहां लाइन ले लिया और इनको आपने ड्रिल मार दिया से, ठीक है ना, स्लाइड करके इसको ट्रिम कर दिया। TR डबल अंडर, ट्रिम कमांड पता है आपको, TR डबल अंडर मिरर कमांड पता है ना आपको, इसको स्लाइड करो, फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्लिक करो, सेकंड पॉइंट नीचे क्लिक कर दो, मिरर हो गया यहाँ पे, फिर इसको भी स्लाइड करो आप और इसको भी मिरर कर दो, क्लियर हो गया आप, बना लो आप लोग, ठीक है बता रहा हूँ मैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ड्रॉइंग, आपने एक लाइन लेनी है यहाँ पे कितना 14.35, 14.35, इसको ऑफसेट देना है कितना 17.3, सी एंटर फर्स्ट पॉइंट के लिए सेकंड मिड पे, फर्स्ट पॉइंट के लिए सेकंड मिड पे, ये ले लाइन आपने, एल एंटर फर्स्ट पॉइंट मिड पे और सेकंड टेंजेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मिड पे और सेकंड कहाँ पे क्लिक करेंगे आप, टेंजेंट पॉइंट पे, इस लाइन को डिलीट करिए आप और इसको हल्का सा मूव करो नीचे लाके, कर दिया मैंने मूव यहाँ पे, इसको ट्रिम करिए यहाँ पे और यहाँ पे इसको कॉपी कर लो, इस ऑब्जेक्ट को एरे कर दो, ए आर एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पॉलर एरे पीओ एंटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंटर, इस पर डबल क्लिक करना आपको, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 4, आगे यहाँ पे यहाँ से लाइन लिया आपने कितने एमएम का 100 mm का, इसको मूव करा यहाँ नीचे वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे और इसको आपको मिरर करना है इससे और यहाँ पे आपको ट्रिम कर देना है, दिख रहा है यहाँ पे, इसको आपने मूव किया यहाँ से कोऑर्डिनेट से और मिड पॉइंट पे और इसको भी आपने मूव कर दिया है यहाँ पे, इसे मैंने कॉपी करा सीओ एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट, कर दिया मैंने कॉपी, कॉपी कमांड आपका क्लियर है, एक्सप्लोर करा आपने, एक्सप्लोर कमांड पता है ना आप लोगों को, किसी ब्लॉक को अनब्लॉक करना है तोड़ने के लिए, ठीक है, इसको आप मिरर कर दो, एम आई एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, हो गया मिरर। अभी कंस्ट्रक्शन लाइन थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन लाइन ले लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, और बाद में जो एक्स्ट्रा लाइन होगी उसको आप ट्रिम कर दो, बन गया, बना सकते हो आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट ड्रॉइंग देखो, नेक्स्ट पेज में बैक साइड में, हाँ सर्किल आपको हो गया था, सर्किल कमांड बता रखा ना आपको, सी एंटर सेंटर पॉइंट के लिए रेडियस 40 और सी एंटर सेंटर पॉइंट के रेडियस 38, ठीक है ना, यहाँ सर्किल बनाएंगे हम रेडियस 8 और रेडियस 10, यहाँ से लाइन लेंगे कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट, इसको ट्रिम कर दो आप और इसे मूव करेंगे हम कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट पे, ठीक है ना, और यहाँ पे एरे कमांड यूज करेंगे हम, ए आर एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर पॉलर एरे क्लिक सेंटर ऑफ सेंटर पॉइंट ऑफ एरे क्लिक एंटर, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम कितना चाहिए आपको 4, ठीक है। इसके बाद स्टार कैसे बनाना है पता है आपको, आपने एक लाइन लेनी है यहाँ पे कितने एमएम की 30 mm की, शिफ्ट प्लस एट द रेट लेंथ वैल्यू 30, सिट प्लस लेस देन एंगल वैल्यू 60 degree, ठीक है, सिट प्लस एट द रेट 30 लेस देन एंगल 120, ठीक है ना, यहाँ पे दिया हमने 30, इतना हो गया यहाँ पे, इसको हमने कॉपी कर लिया, कॉपी कमांड पता है ना आपको, इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके आपने मिरर कर दिया, बन गया, ऐसे बनाया आप लोगों ने। इसके बाद देखो यहाँ पे REC enter first point click next point direction D enter length 60 by 110, इसे एक्सप्लोर करो आप, इसे ऑफसेट करो यहाँ पे कितना 10 का, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट M enter, ठीक है बन गया यहाँ पे, यहां से मैंने लाइन लिया इस वाले पॉइंट पे, यहाँ से लाइन लिया इस वाले पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ पे इस तरह से हमने इसे क्लिक करके लाइन ले लिया, ठीक है ना, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, और इसके अंदर जितनी भी लाइनें आ रही है सबको मैंने डिड मार दिया,
अगर मैं इसको कॉपी करके बताऊँ आपको तो आपकी समझ में आ जाएगा। पहले ये ग्राफ में ऐसा बनाना है और जितने भी इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन है सबको ग्रिड मार दो और इसके ट्रिम कर दो, तो ग्रिड आपके पास जो बना हुआ हो ग्राफ में बना हुआ, ताकि आप इसे इजी बना लो। समझ में आ गया? ऐसे देखना चाहिए बनने के बाद। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट ड्रॉइंग देखो, आर ई सी एंटर क्लिक करा यहाँ पे, डी एंटर 52x104, इसे एक्सप्लोर कर दो यहाँ पे, ऑफसेट 13 दिया हुआ, ऑफसेट 13 इतना हो गया यहाँ पे। यहाँ पे सी एंटर सेंटर पॉइंट रेडियस 3 इसको मूव करना है यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। इसको मिरर करना है इस साइड, हो गया मिरर। अब सर्किल यहाँ भी बनाना है, इसके लिए आता है टेंजेंट सर्किल, सी एंटर टी एंटर फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट रेडियस 3 बन गया। इसको चाहे कॉपी कर लो या मिरर कर लो, इसको भी सेलेक्ट करो, इसका मिड पॉइंट से भी मिरर कर दो, हो गया मिरर। यहाँ से लाइन लिया मैंने इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ठीक है। इसको मैंने कॉपी करा यहां से यहां पे, सी एंटर टी एंटर फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट रेडियस आ गया यहाँ पे। अब इसको हम कॉपी करके अगर देखें हम इसे, तो हम इस तरह से कॉपी कर सकते हैं, दिख रहा है यहाँ पे। इसके अंदर जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है सबको मैंने डिड मार दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसको भी हम डिड मार देते हैं यहाँ पे, इस लाइन को भी, इस लाइन को भी, ताकि हमें मेहनत कम करनी पड़े, ट्रिम नहीं करना पड़ेगा ना। इसको भी आप यहाँ से लाइन ले लो एक, इसको भी यहाँ लाइन ले लो यहाँ पे, इसे भी एक लाइन ले लो यहाँ पे, ठीक है। इस बीच की लाइन को डिड मार दो यहाँ पे और इसे ट्रिम कर दो, ठीक है ना। इसके भी डिड मार दो यहाँ पे, और जो हमने ऊपर लाइन ड्रॉ किया है उसको हम मिरर कर देंगे यहाँ पे। ये लाइन चाहिए मुझे, इसके मिड पॉइंट से मिरर कर देंगे, नीचे भी आ गए यहाँ पे, इसको ट्रिम कर देंगे यहाँ पे, बन गया। तो ये जितने ड्राइंग मैंने आपको समझाई है अभी बना के, तो सारी ड्राइंग बना लोगे आप लोग? देखो मैंने बनाया तो बड़ा इजी लग रहा है कि है कुछ भी नहीं है, है ना। जब आप बनाने बैठोगे ना तो ये कम से कम आपको 2 hours ले लेगा, ठीक है ना। क्योंकि मुझे तो पता है कब क्या करना है, मेरे तो हाथ पे सेट है वो चीजें, तो मुझे तो फास्ट हो रहा है ना। तो बट आप लोग ये चीजें करेंगे तो आपको टाइम लगेगा बनाने में,